हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं कनाडा में फ्री में मिलने वाली चीज़ों को और वो भी इमीडिएट इफ़ेक्ट वाली बातें। उनमें सबसे टॉप पे है एलर्जीज। जितने सीज़न नहीं है उससे ज़्यादा एलर्जीज हैं। अभी तक मैंने सिर्फ 3 सीज़न सुने थे, गर्मी, सर्दी, बरसात। यहाँ पे आके ऑटम, फॉल, स्प्रिंग, पता नहीं क्या क्या क्या। और हर सीज़न को प्रॉपर आप महसूस कर पाएंगे क्योंकि हर सीज़न की एलर्जीज अलग है। एक पिंक आइज हो जाती हैं तो स्नीजिंग हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसको हम कम करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा शॉर्ट्स ले लो, तो ये नेजल स्प्रे लगा लो, तो आई ड्रॉप लगा लो। और ये आपको प्री सीज़न एलर्जी शुरू होने के पहले ही करना पड़ता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपके शरीर में कमी, तरह तरह की कमियाँ। जितने आप खाना खाते हो उससे ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स हैं जो आपके शरीर में कम होता है, उसके लिए आप खाते हो दवाइयाँ, जो कि मैं डेली खाती हूँ। और ये सबसे कम खाती हूँ उनका ये है विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, 12, ई। बाल गिरने लगेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है घुटने में थोड़ा दर्द होगा तो फ्लैक्सीड की गोलियां ले लो। उसके बाद सी चाहिए सबको कंपनसेट कर लेके, क्योंकि हर दवाई के साथ विटामिन सी खाते हो तो जल्दी से ऑब्जर्व होता है आपकी बॉडी में। तो ये सारे लिस्ट हैं जिनको आपको करना ही पड़ता है। और ये सब कुछ आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप कैनेडा में 1 साल से 1.5 साल आप रह जाते हैं, उसके बाद फ्री में आपको चीज़ें ये मिलना शुरू हो जाती है। ये वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, इट इज़ विथ यू एंड इसको आप करो। और उसके लिए सब बहुत जल्दी आप उस एज को फील करने लगते हैं जो हम कहते हैं इंडिया में बुढ़ापा आ गया, ये सब दवाइयाँ वहीं खाने की उम्र में क्या घूमेंगे क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सब दवाइयाँ, ये सब नेजल स्प्रे डोज, इन सब के साथ घूमते हो, ऐश करते हो, फोटो खींचते हो, शॉपिंग करते हो, पिक्चर डालते हो, अपने बोलते ओ आई एम बीइंग हैप्पी इन कैनेडा। और तो और यहाँ पे वो सब करते हो कि आपको ये सब चीज़ें बीमारियाँ ना लगे, उसके लिए आप फिट रहते हो, हेल्दी रहते हो, हेल्दी खाना खाते हो, डाइट करते हो। इंडिया में आप खाना खाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन हेल्दी तो इतना फॉलो नहीं करते हो। उसके बाद भी यहाँ पे आप एक्टिव रहने के लिए आप क्या करते हो, आपके पास यू कैन नॉट अफोर्ड हेल्प नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि हेल्प अफोर्ड करने के लिए आपको पैसा चाहिए और उसके लिए आप अपना घर चला लो, वही बहुत है यहाँ रह के। बाय हेल्प यू कैन नॉट अफोर्ड, इंडिया में आप कर सकते हो। तो उसके लिए आप पूरे घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना सब कुछ करते हो तो आप और ज़्यादा एक्टिव रहते हो। उसके अलावा बच्चों को क्लासेस लेके आते हो, 9 to 5 जॉब करने के बाद आप उनको क्लासेस लेके जाते हो, इस क्लास से उस क्लास, उस काइंड ऑफ यू आर बीइंग अ ऊबर ड्राइवर। उसके बाद भी आप कहते हो कि फिट रहने के लिए कर रहे हो, लेकिन मजबूरी में कर रहे हो, पर फिट रहने के लिए कर रहे हो बिकॉज यू आर एक्टिव। उसके अलावा आप जिम जाते हो, अपना कुछ ना कुछ वर्कआउट सेशन रखा है। हर लड़कियों का कोई ग्रुप होता है, वहाँ बैडमिंटन खेलने जा रही हैं, तो कोई पिकल बॉल खेलने जा रही हैं, तो कोई वॉक पे जा रही हैं, कोई हाइकिंग जा रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं फिट रहने के लिए। वो सब कुछ किया जा रहा है, स्टिल आप क्या पा रहे हैं फ्री में, लैक ऑफ ऑल द विटामिंस एंड मिनरल इन योर बॉडी। एंड कंग्रेचुलेशंस, आप 30s और 40s में ही 60s वाला फील ले सकते हैं। चाहे आपका चेहरा और शरीर पे कपड़े चमकते रहें, लेकिन आपका शरीर हो रहा है 60s का। सो एंजॉय बीइंग इन कैनेडा, बीइंग इन नॉर्थ अमेरिका। बाय।